हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है इंग्लिश लिटरेचर के एक छोटे से पार्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो स्टूडेंट्स जो हैं नेट की, LT, TGT, PGT या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के संबंध में कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस के बारे में। एक्चुअली इन तीनों का हिंदी अर्थ होता है विरोधाभास अलंकार। इसी के कारण से स्टूडेंट्स जो हैं इन तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके बाद कभी भी आप इन तीनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसे पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं ऑक्सीमोरन क्या है। अर्थ तो आप जानते हैं, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास किसे कहते हैं दोस्तों? अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो देखिए, जब कभी भी एक ही चीज में दो विरोधी गुण मिले या एक ही सेंटेंस में दो विरोधी गुण मिले, जैसे मैंने कहा आम खट्टा मीठा है, भाई खट्टा भी है और मीठा भी है, दो विरोधी गुण एक ही सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं ये विरोधाभास अलंकार है। अब ऑक्सीमोरन को देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं। देखिए, ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात इस फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट क्वालिटीज आर, दो अपोजिट क्वालिटीज जो होती है आर यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाता है। और किस में किया जाता है? सेम ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए इसमें सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट में। यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु विशेष ही नहीं बल्कि मनुष्य भी हो सकता है, कोई भी क्रिएचर हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है। आप इसको वस्तु से लेकर ही ना चलें, ठीक है? एग्जांपल के थ्रू ये आपको क्लियर होगा, समझिए। जैसे पहला एग्जांपल है, ही इज रेगुलरली इररेगुलर, यानी कि हिंदी समझिए, वह जो है रेगुलरली माने नियमित रूप से और इररेगुलर मतलब अनियमित है, अर्थात वो रेगुलरली नियमित रूप से अनियमित है। अब देखिए, यहां पर वह किसी व्यक्ति की बात हो रही है। मैं इसे पहले इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं। मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है राजू, और वो जो है हमारा विद्यालय जो है उसका विद्यालय का टाइम है विद्यालय लगने का सुबह 8 बजे, लेकिन कभी वो आता है 8:20 पे, कभी 8:40, कभी तो 9 बजे तक आता है, यानी कि आता रोज है, रेगुलरली आएगा, लेकिन रेगुलरली इररेगुलर आएगा, अनियमित समय से आएगा। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति राजू के दो गुण दिखाएं, एक तो वो रेगुलरली काम कर रहा है और इररेगुलर काम कर रहा है, उस काम को कर रेगुलर रहा है लेकिन इररेगुलरली कर रहा है, समझ गए होंगे? यानी कि वो क्या है, रेगुलरली नियमित होते हुए भी अनियमित है, यानी कि एक ही व्यक्ति सेम ऑब्जेक्ट, मतलब सेम ऑब्जेक्ट राजू के यहां पर दो विरोधी गुण दिखाए हैं, तो यहां हम समझ जाते हैं ऑक्सीमोरन है। इसी तरह से नेक्स्ट है, सी इज फीलिंग अ स्वीट पेन, सी इज फीलिंग अ स्वीट पेन, वह एक मधुर दर्द महसूस कर रही है। समझिए, यहां पर स्वीट और पेन हमारे पास दो शब्द हैं, स्वीट और पेन। अब खुद ही समझिए आप कि स्वीट जो है वो मधुर है और पेन, पेन मधुर कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं आप? तो यानी कि दो अपोजिट क्वालिटीज यहां पर हैं और एक ही व्यक्ति की है, और वो व्यक्ति कौन है? सी, यानी कि कोई लड़की होगी, कोई महिला होगी, उसके उसकी दो अपोजिट क्वालिटीज यहां पर दिखाई गई हैं सेम ऑब्जेक्ट में। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस में जो आगे वाला वर्ड होगा, जैसे यहां पर स्वीट है आगे वाला, ये एडजेक्टिव होगा और इसके बाद वाला जो होगा वो नाउन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर था रेगुलरली, तो रेगुलरली जो वर्ड है ये क्या था? ये एडजेक्टिव है, आप समझ गए, यानी कि ये विशेषण है। और जो उसके बाद इररेगुलर है ये क्या है हमारे पास? ये नाउन है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ज्यादातर सेंटेंसेस में, मैं ये तो नहीं कहूंगा हर सेंटेंस में, लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस में ये दोनों अपोजिट वर्ड एक दूसरे के समीप ही होते हैं, आसपास ही होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, जेम्स आई वाज द वाइजेस्ट फूल, वो कहता है जेम्स आई वाज द वाइजेस्ट, किसी ने कहा होगा अरे जेम्स मैं वाइजेस्ट, वाइजेस्ट का मतलब आप जानते हैं सबसे अधिक बुद्धिमान, और फूल मतलब मूर्ख, यानी कि वाइजेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है और फूल जो है वो नाउन है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जो है
सबसे अधिक बुद्धिमान मूर्ख हूँ। अब अपने आप को बुद्धिमान भी कह रहा है और मूर्ख भी कह रहा है, यानी कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमने लिया है जॉन कीट्स की एक पोएम से लिया है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे मधुर गीत हैं, स्वीटेस्ट सॉन्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे स्वीटेस्ट जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे सैडेस्ट थॉट्स को जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं। टेल का मतलब यहाँ पर है एक्सप्लेन करना, व्यक्त करना, बताना, यानी कि हमारे जो गीत हैं मधुर गीत हैं, लेकिन वो हमारे क्या कर रहा है, वो हमारे दुखी विचारों को, खिन्न विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर स्वीट सॉन्ग और यहाँ पर सैडेस्ट थॉट, ये दोनों जो हैं अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम समझते हैं पैराडॉक्स क्या है। देखिए दोस्तों, पैराडॉक्स का मतलब भी आप जानते हैं, इसका मतलब होता है विरोधाभास अलंकार, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, आप समझिए। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट और, ये या तो एक स्टेटमेंट है या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, समझ गए होंगे, या तो कुछ सेंटेंस का एक ग्रुप होगा, ठीक है। दैट कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट का अर्थात विरोध करना, जो विरोध कर रहा होगा, ठीक है, टू ईच अदर, अगर वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंस है तो वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे, या वो अलग सा एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट माने कोई कथन है, तो वो अपने आप का ही विरोध कर रहा होगा, अपने आप में ही उसमें एक विरोधाभास होगा, कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब विरोधाभास होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा दोस्तों, वो डिलीवर कर रहा होगा एक हिडन ट्रुथ को, अर्थात उसमें एक सच्चाई होगी। मुझे लगता है आप शायद अभी अच्छे से नहीं समझे मेरी बात को, आप इजी लैंग्वेज में समझिएगा। देखो दोस्तों, जब हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वो सेंटेंस जो है हमें ये लगेगा पढ़ते हुए कि ये लॉजिकली जो है ये फैक्टफुल नहीं है, अर्थात इसमें लॉजिक नहीं है, ये लॉजिकली जो है फिट नहीं बैठता है, मींस हमें ऐसा लगेगा, यानी कि वो अटपटा लगेगा पढ़ने में, उसमें लॉजिक लगेगा नहीं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर एक बहुत गहरा मीनिंग होता है, अपने आप में उसका एक मीनिंगफुल फैक्ट उसके अंदर से निकल कर आता है, उसमें एक हिडन ट्रुथ होता है, उस बात में सच्चाई होती है। देखो अभी समझिए, This is the beginning of the end. This is the beginning. ये शुरुआत है of the end. अब अगर हम पढ़ें कि इसका हिंदी मतलब तो हम समझ रहे हैं कि ये जो है शुरुआत है अंत की, अंत की शुरुआत है। अगर देखा जाए जिस चीज़ का अंत हो रहा है दोस्तों, उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है ना भाई, अंत हो रहा है जिसका, शुरुआत कैसे होगी। अगर हम इसको देखें तो ये हमें फैक्टफुल लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लॉजिकली फिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, इसको अगर हम सही से पढ़ते हैं, इसके अंदर एक हिडन मीनिंग है, हिडन ट्रुथ है। अब इसको पहले ऐसे समझिए, एक एग्जांपल, कोरोना काल में मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसकी जॉब चली गई, और भाई उसके दिन बड़े अच्छे नहीं गुजर रहे हैं, यानी कि बुरे दिन गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर लॉकडाउन खत्म होता है और उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो हम उससे कहते हैं कि भाई अब जो तुम्हारे बुरे दिन थे उनके अंत की शुरुआत हो गई है, यानी कि बुरे दिनों के अंत की शुरुआत हो गई है, समझ गए। तो यानी कि इसके अंदर एक मीनिंग है, ये फैक्ट है, तो यहां पर समझ पा रहे होंगे आप, तो दिस इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है, और किसकी, ऑफ द एंड, यानी कि अंत की। लगता है कि इलॉजिकल है, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक होता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, विलियम शेक्सपियर का एक क्वोटेशन है, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कि कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर चुका होता है। अब जरा समझिए भाई, कोई भी व्यक्ति मृत्यु से पहले कैसे मर जाएगा, सोचने वाली बात है भाई, मृत्यु के बाद, मृत्यु जब होगी तभी मरेगा ना। इसमें हमें लग रहा है कि यार लॉजिक तो कुछ है नहीं, लेकिन हकीकत में अगर हम देखें तो इसके अंदर एक मीनिंग है। अब मीनिंग क्या है दोस्तों, देखो, एक जो कायर व्यक्ति है वो हमेशा डर डर के जीता है, उसे हमेशा अपनी मृत्यु का भय सता रहा होता है, वो डरता रहता है। और ये क्या जीवन हुआ भाई, जिसमें आप डर डर के जी रहे हैं, वो तो मृत्यु से भी बेकार जीवन है। तो इसीलिए इसका जो फैक्ट है, जो हमें सामने इसका मीनिंग नजर आता है, वो एक फैक्ट पर आधारित होता है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, सेव मनी, मनी बचाओ बाय स्पेंडिंग, स्पेंडिंग माने खर्च करके, और इसे खर्च करके बचाओ, यानी कि पैसा खर्च करो और बचाओ।
भाई कैसे ऐसा हो सकता है? आप सोचिए, मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं और मैं उसे खर्च कर देता हूं, बचाऊंगा कैसे? लेकिन अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं, हिडन लॉजिक देखते हैं, तो लॉजिक क्या है कि अगर हम किसी व्यवसाय में अपना पैसा लगाते हैं तभी तो हम अर्न करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि इसका मतलब, इसके अंदर जो एक हिडन मीनिंग है वो बिल्कुल फैक्टफुल होता है। इसी तरह नेक्स्ट है, Nobody goes to Murphy Wars anymore. It's too crowded. यानी कि Murphy Wars में कोई नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होती है, वहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है। भाई वहाँ कोई नहीं जाता है, फिर भी वहाँ पर भीड़ है, ये लग रहा है कि illogical है, लेकिन अगर हम इसको सही से पढ़ते हैं तो ये एक meaningful है। तो आप दोनों में difference समझ गए होंगे। यहाँ पर oxymoron में क्या होता है, एक ही व्यक्ति के दो विरोधी गुण होते हैं, एक ही वस्तु के दो विरोधी गुण होते हैं, जबकि पैराडॉक्स में ऐसा नहीं होता है। एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट अपने आप को ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा होगा, उसके अंदर एक हिडन मीनिंग होगा और देखने से इलॉजिकल लग रहा होगा। इसी तरह अब हम देखते हैं एंटीथेसिस। अब ये एंटीथेसिस क्या है भाई, इसका हिंदी अर्थ भी तो विरोधाभासी होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब इसकी जरा से हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में टू अपोजिट आइडियाज, दो विरोधी विचार, दो विरोधी जो आइडियाज हैं, पुट टूगेदर, उन्हें एक साथ रखा जाता है। और जो ये सेंटेंस है, ये क्या करता है, अचीव अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, और इसका एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट निकल कर सामने आता है। मैं आपको इजी भाषा में, अपनी भाषा में बताऊं, देखो दोस्तों, इसमें भी जो है एक सेंटेंस होगा, लेकिन उस सेंटेंस में कोई हिडन मीनिंग नहीं होगा। अगर हिडन मीनिंग नहीं है उसमें, तो हम समझ जाते हैं कि वो पैराडॉक्स नहीं है। दूसरी बात, इसको और समझते हैं तो हमें लग सकता है कि भाई ये ऑक्सीमोरन होगा। भाई ऑक्सीमोरन इसमें जो है एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग क्वालिटीज भी नहीं दिखाई जाती हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये ऑक्सीमोरन भी नहीं है। यानी कि अब हम कैसे समझेंगे कि ये एंटीथेसिस है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, आई लव्ड सीजर, मतलब मैं सीजर को प्यार करता हूं, एंड हेटेड, और घृणा करता हूं, किससे, उसकी एम्बिशन से, हिज एम्बिशन। अब देखिए, यहां पर जो है सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है ना, वो उसका मूल अर्थ है, यानी कि इसके अंदर कोई हिडन मीनिंग नहीं है। भाई मैं सीजर को अच्छा मानता हूं, उसे लव करता हूं, लेकिन मैं उसकी एम्बिशन को पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, दो अपोजिट वर्ड है, देखो, लव्ड और हेटेड, दो अलग अलग वर्ड है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, समझ गए, लेकिन इनके अंदर कोई इसकी तरह से मींस पैराडॉक्स की तरह से हिडन मीनिंग भी नहीं है, और एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग क्वालिटीज भी नहीं बता रहा है। ठीक है, देखिए दूसरी चीज है, यहां पर है, पेशेंट इज बिटर बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट, अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो धैर्य है वो क्या है, बिटर, जरा कड़वा होता है, धैर्य होता तो कड़वा है, लेकिन उसका अर्थ उसका जो फल होगा, फ्रूट होगा, जो निष्कर्ष होगा ना, वो अच्छा निकलता है। तो इसका जो मीनिंग है, जो यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस, मीनिंग भी वही है, अर्थात धैर्य करना जरा मुश्किल होता है, किसी भी चीज़ पर हम धैर्य रखें, हम सब्र कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम सब्र करें तो कहते हैं कि उसका फल मीठा होता है, यानी कि उसका परिणाम अच्छा होता है। तो मतलब वही जो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, वही इसका मेन मीनिंग्स भी है, वही अर्थ भी है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो दो विरोधी गुण, दो अपोजिट वर्ड यूज हो रहे हैं, जैसे बिटर और स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट है, मैनी आर कॉल्ड, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, ठीक है, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन कुछ लोगों को चूज किया गया, कुछ को सेलेक्ट किया गया, मतलब मैनी, और मैनी का ठीक अपोजिट क्या दे दिया, फ्यू। ठीक है, और अर्थ अगर आप देखेंगे तो जो सेंटेंस में दिया हुआ है वही उसका मीनिंग भी है, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन सेलेक्ट जो है कुछ ही लोग किए गए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, यानी कि जो स्पीच है वो सिल्वर है और जो साइलेंस है वो गोल्ड है। देखिए, दोनों अपोजिट वर्ड है, आप समझ गए, एक दूसरे के मतलब ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स, तो हम समझ लेते हैं कि ये एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।